अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूटी टिप्स। जी आज आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं गुलाब जामुन। ये बिल्कुल बेहतरीन इसी तरह के बनेंगे जैसे बाज़ार से अभी लेकर आए, हरगिज़ नहीं लगेगा घर में बने हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें शुगर सिरप तैयार करना है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 कप चीनी है, इसमें 4 मैंने इलायची के दाने डाले हैं और साथ ही साथ 1 कप पानी डालूंगी और 1/2 लेमन स्क्वीज किया हुआ डालूंगी और इसकी 1 तार की चाशनी बनाएंगे हम। और चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी 1 तार की ना बन जाए, और बनने के बाद इसको हम एक साइड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना चाशनी को क्योंकि हमने इसमें गुलाब जामुन डिप करने हैं, तो सिरप अंदर तक उसके जाना ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो गुलाब जामुन चूस नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, सोख नहीं हो पाएंगे उसमें। तो गुलाब जामुनों के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें है 1 कप आपको ड्राइड मिल्क चाहिए, कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अंदर आप यूज़ करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून घी, 1 अंडा, 1 टीस्पून फ्लावर का मैदा जो होता है, और 1 टीस्पून सूजी। ये तमाम चीज़ें आप रूम टेम्परेचर की यूज़ करेंगे और हरगिज़ भी कोई चीज़ फ्रिज की नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर की यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होती है कि अक्सर आपने देखा गुलाब जामुन ऊपर से सॉफ्ट होते हैं, बीच में गुठली रह जाती है, ऐसा करने से गुठली नहीं रहेगी जितनी देर। और दूसरी टिप ये, जितनी देर आपका ऑयल हो रहा होगा गर्म उतनी देर में आपने ये डो तैयार कर लेनी। ये डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए और बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बना के अपनी साइड पर रख देने, बहुत फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह की स्मूथ जिस तरह पिक्चर में नज़र आ रही है ऐसी होगी। और आपने 1 गो में इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन ये बॉल्स डालने से पहले आप क्या करेंगे, अपनी फ्लेम को कर देंगे लो। ठीक है, ताकि हल्की आंच पे ये गोल्डन ब्राउन हो। जब ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हो आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाना, इनके टूटने का खतरा रहता है। जब एक साइड हो जाए तो आप टर्न करें फिर दूसरी साइड से इनको ब्राउन करें, और उसके साथ ही साथ आपने इनको निकाल के शुगर सिरप में डाल देना है। ठीक है, शुगर सिरप में डालेंगे, 2 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद ढक्कन देके इनको रख देंगे, हीट से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।